नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मेरी जो लिमिट लगी हुई है वो 2000 रुपये की लिमिट है, यानी कि 2000 रुपये तक मैं जो लोन ले सकता हूँ, और मैं आपको लेकर बताऊँगा और पूरा वीडियो देखना। मैं आपको बैंक प्रूफ भी बताऊँगा और साथ में जो मैसेज आता है इसकी तरफ से वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे 90 दिन के लिए ये लोन मिल रहा है, तो 90 दिनों के बाद मुझे 2300 रुपये पे करने पड़ेंगे और मैं इसको बैंक अकाउंट में ले लेता हूँ। मेरा बैंक अकाउंट पहले से वेरीफाइड है, मैंने 2-3 बार और लिया है लोन, तो अभी मैं यहाँ पर पूरा लोन आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। और अगली वीडियो में अगर आप भी लोन लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको पूरी वीडियो बताऊँगा कि कौन सी एप्लीकेशन लोन देती है और उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं कॉलेज एक्सपेंसिव का बता देता हूँ और उनको यहाँ पर जो भी है सारा का सारा जो है क्लिक कर देता हूँ। और ये क्लिक इसलिए करा रहे ताकि यानी कि आप भविष्य में वापस लोन चुकाएंगे या नहीं इसके बारे में बता रहा है। तो उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड, और यहाँ पर जस्ट 5 मिनट के अंदर मेरा लोन जो है मेरे बैंक अकाउंट पे आ गया था। और यहाँ पर ये लोन एग्रीमेंट भी देते हैं कि आपने लोन लिया है, उसका पूरा पूरा डिटेल यहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पर ये थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है यहाँ पर, और ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन एग्रीमेंट है, इसमें आपको पूरी जानकारी दे रखी है और आपका नाम वगैरह सारा दे रखा है कि आपको कितना वापस पे करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे जो लोन बैंक अकाउंट में आया था उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये आया हुआ 1760, आपके जो है ये अंडर प्रोसेस में है, और तो मैं इसको गॉट इट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जस्ट 2 मिनट के बाद ही मेरे अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो गए थे, मैंने ये 9 बजे किया था और 9:32 पर आप देख रहे हो। यहाँ पर मैं आपको मैसेज खोल के बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे मिले हैं 1760 रुपये, यानी कि 200-250 रुपये इसका फाइल चार्ज लगता है, वो तो आपको ही पता है लोन चार्ज का जो फाइल की चार्ज लगती है वो। तो 1760 रुपये मुझे मिले हैं और मैं इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतनी लिमिट है। और यहाँ पर मैं आपको बैंक प्रूफ भी बता रहा हूँ, बैंक प्रूफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये यहाँ पर देख सकते हैं जालन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो लोन पे किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको एप्लीकेशन में इसका स्टेटस बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2360 रुपये मुझे वापस देने पड़ेंगे, जो 90 दिनों के बाद देने हैं, यानी कि 14 जुलाई 2021 को मुझे देने पड़ेंगे और 15 अप्रैल को मैंने ये लोन लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी आप डिटेल जानना चाहते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है और आपने कैसे लिया, उसका पूरा प्रोसेस हमें अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे इसका पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ये मेरा डेमो वीडियो था ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं ये जो लोन है वो कैसे अप्रूव होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।